हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी पे डिस्कस करने वाले हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है। इस कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी को डॉक्टर हैनीमैन, जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी है, इन्होंने डिस्कवर किया है। जैसे कि हर साइंस की अपनी एक बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही होम्योपैथी एज अ साइंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इसकी अपनी एक फिलॉसफी है। इट्स थेरापूटिक्स विच आर क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर स्कूल्स ऑफ मेडिकल साइंस। होम्योपैथिक थेरापूटिक्स ये बाकी मेडिकल साइंसेज से थोड़ी डिफरेंट है। दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वेर डिस्कस्ड बाई हैनीमैन इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ हिज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसफी। डॉक्टर हैनीमैन ने ये सारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसफी के बुक्स में डिफरेंट सेक्शंस में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम इसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात करें तो देर आर सेवन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं टोटल, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलिया, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, थर्ड प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ मिनिमम, फोर्थ प्रिंसिपल इज डॉक्ट्रीन ऑफ ड्रग प्रूविंग, फिफ्थ प्रिंसिपल इज थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिक्स्थ प्रिंसिपल इज थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड सेवन्थ प्रिंसिपल इज डॉक्ट्रीन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। ये सेवन प्रिंसिपल्स हैं, इस प्रिंसिपल्स पे पूरी होम्योपैथी वर्क कर रही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ सिमिलिया। होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन फाउंडेड ऑन अ डेफिनेट लॉ, दैट इज सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर, विच मीन्स लाइक क्योर्स लाइक। होम्योपैथी पूरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे डिपेंड है, दैट इज सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर। इसका मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक। द वर्ड होम्योपैथी ये एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें होमियोस का मतलब होता है सिमिलर एंड पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। सो होम्योपैथी में भी डिफाइंड एज द थेरापूटिक मेथड ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटीज। हैनीमैन बाय हिज फाइन ऑब्जर्वेशन एंड द इंडक्टिव मेथड्स ऑफ रीजनिंग बिकेम कन्विंस्ड ऑफ दिस लॉ ऑफ क्योर। ये लॉ, द लॉ ऑफ सिमिलिया, ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, बहुत ही ऑब्जर्वेशन, फाइन ऑब्जर्वेशंस करने के बाद डॉक्टर हैनीमैन ने इस लॉ को डिस्कवर किया है। ही एम्ब्रेस्ड इट एंड डिक्लेयर्ड इट टू बी अ यूनिवर्सल, अ बेसिक लॉ ऑफ थेरापूटिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, होम्योपैथी, दैट इज होम्यो मीन्स सिमिलर एंड पैथो मीन्स सफरिंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द चॉइस ऑफ द मेडिसिन इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द मेडिसिन मस्ट हैव द कैपेबिलिटी of producing most similar symptoms of the disease to be cured in the healthy person. इस पूरे law of similia का basic meaning यही है कि जो medicine disease के symptoms को treat कर सकती है, वो medicine में capacity है कि उस disease के symptoms को वापस से produce भी कर सकती है। ये total law of similia का meaning है। So this was all about law of similia. Next video में हम law of simplex के बारे में बात करेंगे, the single remedy. This was all about. Thank you for watching.